अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबील अशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली एडिटिंग के बारे में है कि हाउ आई एडिट माय वीडियोस और हाउ यू शुड हैव टू एडिट योर वीडियोस। रिसेंटली आई अपलोडेड ईद मुबारक वीडियो 2020 ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। बहुत से लोगों ने DM किया कि हाउ यू एडिट योर वीडियोज और समथिंग लाइक दिस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रायल बना लिया जाए। आई एम गोइंग टू शो यू अ पार्ट ऑफ अ वीडियो दैट आई अपलोडेड 3 days अगो ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। लेट्स गो। आपने ये तो देख लिया, तो इसकी रॉ फुटेज देख लेते हैं कि रॉ फुटेज किस तरह है। सो या दैट्स लिटरली इट। तो आपको करना ये है कि कोई भी वीडियोग्राफर से फुटेज देनी है एंड डू सम लिटिल बिट एडिटिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन कन्वर्ट दोज लेम फुटेज इनटू डू समथिंग लाइक क्रिएटिव। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसी टिप जो कि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर लगा। सो बेसिकली यू शुड हैव टू गो थ्रू फ्रॉम 7 to 8 पॉइंट्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपनी हर वीडियो एडिटिंग के अंदर, ताकि मेरी वीडियो क्रिएटिव और परफेक्ट लगे। So without any further ado, let's get started. So the very first thing you should have to do is to find music. हमें ऐसा म्यूजिक फाइंड करना है जो कि हमारे वीडियो की इंटायर वाइब डिटरमाइन कर ले, क्योंकि हर वीडियो के अंदर उसकी वीडियो के साथ बैकग्राउंड म्यूजिक का भी बहुत रोल होता है। जिस फोटेज की हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं वो है मस्जिद, which is relatable to Ramadan. So that's why we should have to find something that can create vibe. Before moving towards point number 2, you should have to make sure that आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिनेमेटिक वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट सेटिंग होनी चाहिए 21:9 और समथिंग सिनेमा फ्रेम जो होता है वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो यू कैन यूज 16:9 आल्सो। सो द पॉइंट नंबर 2 इज़ यू शुड हैव टू टेक योर फोटेज योर टाइम लाइन। जो आपकी बेस्ट फोटेज है उसको आपने वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइम लाइन के अंदर लाना है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फोटेज जब टाइम लाइन के अंदर आएंगी तो वो सीक्वेंस के अंदर हो। यू शुड हैव टू अरेंज देम वेल। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट शॉट ये है, सेकंड शॉट ये है, थर्ड शॉट ये है। शूटिंग के दौरान आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने फर्स्ट शॉट कौन सी लेनी है, सेकंड कौन सी एंड लास्ट कौन सी। इसको करने का सबसे ईजी स्टेप यही है कि आप स्टोरी बोर्ड बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली शॉट करें। सो वी आर मूविंग टुवर्ड पॉइंट नंबर 3, द शॉट इज परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप शॉट लेते हैं तो स्टार्टिंग के वक्त लिटिल बिट शेक आता है और एंड के वक्त लिटिल बिट शेक आता है। सो दैट्स वाई मेक अ परफेक्ट शॉट। मतलब कि जैसे ये फोटेज है, इसमें से फर्स्ट का पार्ट जो कि ख़राब होगा, जो लास्ट का पार्ट जो थोड़ा बहुत हिला हुआ होगा, या फिर उसको मैं कट करके डिलीट कर दूंगा, और जो मेन पार्ट होगा फोटेज का उसको हम रखेंगे टाइमलाइन के ऊपर, ताकि उसके अंदर परफेक्ट मूवमेंट और परफेक्ट स्टेबलाइजेशन आए। आफ्टर टेकिंग योर फोटेज इन टाइमलाइन इन द सीक्वेंस, यू शुड हैव टू मेक श्योर दैट योर सब्जेक्ट इज़ इन द फ्रेम परफेक्टली। इसका सब्जेक्ट जो है, जो भी सब्जेक्ट है, बेशक वो मीनार है, मस्जिद का, या फिर कोई भी किसी भी वीडियो का कुछ भी सब्जेक्ट है, रूल ऑफ थर्ड्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए फ्रेम का। तो स्टेप नंबर 4 इज दैट यू शुड हैव टू मेक श्योर, आपको चाहिए कि आपकी वीडियो का एक एक कट जो है वो म्यूजिक की बीट के साथ साथ कट होना चाहिए। ये जो है आपको हेल्प करता है कि आपकी वीडियो की वाइब जो है म्यूजिक के साथ कॉरस्पॉन्ड हो जाती है। आपको पूरी पूरी फोटेज जो है अकॉर्डिंग टू साउंड उसे अरेंज कर देना है। सो द पॉइंट नंबर 5 इज दैट यू शुड हैव टू डिजाइन साउंड आल्सो। यस, जिस फोटेज की हमने बात की है इस वीडियो के अंदर, उसके अंदर तो मैं कोई साउंड डिजाइन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो म्यूजिक है वो परफेक्ट है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ कुछ फोटेज की जो कि साउंड के साथ कितनी परफेक्ट हो गई और उन्होंने कितनी वीडियो की वाइब अप कर दी है। सो लेट्स चेक आउट दिस वन। आपको बेस्ट ट्रांजिशन जो है वो सेट करनी है अकॉर्डिंग टू म्यूजिक और अकॉर्डिंग टू वीडियो, जो कि आपकी वीडियो और म्यूजिक के अकॉर्डिंगली बेस्ट और परफेक्ट मैच हो आपकी फोटेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वीडियो देर इज़ नो ट्रांजिशन, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर फेडी ट्रांजिशन डाली है जो कि इसकी वीडियो की वाइब विद म्यूजिक इंक्रीज कर रही है।
So that's why this is very important to make a good transition or something like this. You should have to make sure that आपकी footage जो है वो music के साथ align कर रही है, पूरी और complete finalized हो चुकी है. The main important part of the video is that you should have to color grade. I am using the LUT called Mission Impossible, inspired from Mission Impossible movie. अगर आपको वो LUT use करनी है तो मैं उसका link जो है description में डाल दूंगा, you can go and check out this one. Applying LUT फिर भी कुछ ना कुछ changes करनी पड़ती हैं, for example highlights, shadows or something like this. So the last but not the least step is that preview your video. मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के बाद Filmora के अंदर उसका प्रीव्यू लेता हूँ. अपनी वीडियो को पूरा फाइनलाइज करने के बाद, फॉर एग्जांपल साउंड डिजाइन, म्यूजिक और एवरीथिंग एल्स, कलर ग्रेडिंग, एवरीथिंग, मैं उसको रेंडर करता हूँ. रेंडर करने के बाद उसको देखता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ उसका. अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर तो उनको चेंज करके फिक्स आउट करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अक्सर ये होता है कुछ फोटो ऐसे रह जाती है मेरे से जो कलर ग्रेड नहीं होती, फिर मैं उसे कलर ग्रेड करता हूँ. सिनेमेटिक बार जो होती हैं वो रह जाती हैं, उनको मैं एडिट करता हूँ. बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अक्सर कोई वीडियो हो, टेक्स्ट डालना, उसके अंदर टेक्स्ट डालना पड़ जाता है मुझे, तो ये जरूरी होता है. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, इंट्रो और आउटरो जो है वो मैं एनिमेट करता हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, जो कि मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा कहीं नहीं गया. ये हैंड राइटिंग के अंदर है, काफ़ी फेमस है, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ. मुझे अच्छा भी लगता है, बड़ा डिसेंट लगता है, प्यारा लगता है. ज़रूरी नहीं है अगर कर लो ज़्यादा अच्छा लगता है, एनिमेटेड इंट्रो हो, एनिमेटेड आउटरो हो, तो वीडियो की वाइब भी उड़ जाती है, अलग हो जाती है. सो दिस इज फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड देन थम्स अप टू द वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब. एंड एज ऑलवेज माय नेम इज अमित अचलप एंड आई होप यू हैव अ ब्यूटीफुल डे.